पीटीआई न्यूज पड़ताल हर खबर की। महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ की बदतमीजी। आप देख सकते हैं ये वीडियो, महाराष्ट्र पुलिस किस तरीके से बिहार पुलिस के अफिसर्स को पकड़कर लेकर जा रही है। सर, अरे भाई, अरे भाई, पकड़ के क्यों ले जा रहे हो, रुक जाओ ना यार। बिहार पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। सर सर, क्या सर, क्या सर, 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 क्या सर, सर, वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक अपराधी की तरह मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के ऑफिसरों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। मुंबई पुलिस आपको हेल्प कर रही है कि नहीं सर? क्या बात, क्या मतलब सर, क्या कुछ बातचीत हुई है? अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई? आप पुलिस के साथ बदसलूकी का ये वीडियो सामने आया है, जहां पर मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ बदतमीजी की है, अपराधियों की तरह उनको ले जाया जाए। ये काम को निगेटिव बिहार पुलिस आपको बता दे कि यहाँ पर पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस नहीं चाहती है कि बिहार पुलिस इस पूरे मामले में बात करे, बिहार पुलिस के अधिकारी बात करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस के जो ये पुलिसकर्मी है, जब डीसीपी क्राइम डिटेक्शन अकबर पठान से मिलकर बिहार के पुलिस के लोग बाहर निकले, तो आप देख सकते हैं मीडिया से बात करने तक का मौका नहीं दिया गया है बिहार पुलिस को। बिहार पुलिस काफी बात करने की कोशिश की है मीडिया से, लेकिन मुंबई पुलिस ने बात करने का भी मौका नहीं दिया है। हाल ही में आपने देखा था कि बिहार पुलिस ने ऑटो वगैरह से तहकीकात का काम वहां पर किया था, जो कि काफी निंदनीय है। सर, क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। सर, क्या बात हुई, सर, क्या बात हुई ये तो बता दीजिए। सर, देख सकते हैं आप किस तरीके से वैन में उन्हें भरा गया है। अरे भाई, पकड़ के जबरन उन्हें वैन में बिठाया गया है। मामला अभी तक स्पष्ट सामने नहीं आया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस तरीके का व्यवहार क्यों किया है। मीडिया मैन के साथ भी वहां पर बदतमीजी किए हैं पुलिस ऑफिसर। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर, ये क्या करें आप लोग, ये क्या बात हुई?
एक काम करो, निगेटिव खत्म।